माय नेम इज़ इज वेरिफिकेशन ऑफ एसोसिएटिव लॉ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फर्स्ट हम करेंगे एसोसिएट लॉ विस्पेक्ट यूनियन हम लिखते हैं लॉ ऑफ यूनियन यूनियन ऑफ बी यूनियन सी यूनियन बी यूनियन सी ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ए सपोज हमारा एक सेट है जिसमें वन टू थ्री एंड फोर हमें मेंबर्स हैं एंड बी इक्वेल टू बी हमारा सेट है जिसमें थ्री फोर एंड फाइव हमारे पास नंबर्स हैं एंड सी हमारा एक सेट है जिसमें फोर फाइव एंड सिक्स हमारे पास मेंबर्स हैं ए बी सी हमें तीन सेट्स मिले हुए ए यूनियन ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी हमें फाइंड करना है पहले हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड ए की जगह पे हम ए के मेंबर्स रखेंगे वन टू थ्री एंड फोर यूनियन है यूनियन रखेंगे ब्रैकेट बी यूनियन सी बी की जगह पे बी के मेंबर्स हैं थ्री फोर एंड फाइव यूनियन है सी की जगह पे हम सी के मेंबर्स रखेंगे फोर फाइव एंड सिक्स हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ए की जगह पे ए के मेंबर्स रखे यूनियन रखा बी की जगह पे बी के मेंबर्स यूनियन एंड सी की जगह पे सी के मेंबर्स रखे अब हम क्या करेंगे ए हम सेम रख रहे हैं वन टू थ्री एंड फोर सेम रख रहे हैं अब जो ब्रैकेट है हमारे पास बी यूनियन सी हम पहले बी यूनियन सी की जो है यूनियन करेंगे बी यूनियन सी की जो यूनियन होगी क्या होगी थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अब हमें ये जो मिला है ये बी यूनियन सी मिला है थ्री फोर फाइव सिक्स अब हम क्या करेंगे ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी बी यूनियन सी हमें यूनियन मिल गई है अब हम ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी करेंगे ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हमें लेफ्ट हैंड साइड मिली है इसको हम सपोज नंबर वन दे रहे हैं अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी अब हम क्या करेंगे ए की जगह पे हम ए के मेंबर्स रखेंगे ब्रैकेट में ए यूनियन ऑफ बी मतलब ए की जगह पे हमारे पास क्या है वन टू थ्री एंड फोर एंड यूनियन है बी की जगह पे हम बी के मेंबर्स रखेंगे वो है थ्री फोर थ्री फोर एंड फाइव एंड यूनियन सी है यूनियन सी की जगह पे हम सी के मेंबर्स रखेंगे फोर फाइव एंड फोर फाइव एंड सिक्स अब हमें क्या करना है फर्स्ट ए यूनियन बी करनी है ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगी ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी हमें क्या मिलेगी वन टू थ्री फोर एंड फाइव वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये हमें मिली ए यूनियन बी अब हम क्या करेंगे यूनियन सी यूनियन सी की जगह पे सी के मेंबर्स रखेंगे फोर फाइव एंड सिक्स ए यूनियन बी हमें मिल गया है अब क्या करना है यूनियन सी करना है ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल टू टन टू थ्री फोर अब हमें ये क्या मिला ए यूनियन बी यूनियन सी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स में बराबर हैं तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मतलब ये वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ए यूनियन ऑफ ए ऑफ बी यूनियन सी इक्वल ट एनियन बी यूनियन सी मतलब लेफ्ट एंड साइड इक्वल ट राइट हैंड साइड वेरीफाइड है इसके बाद सेकेंड जो है हमारा वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ट ए इंटरसेशन बी इंटरसेशन सी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए की जगह पे हम ए के मेंबर्स रख रहे हैं वन टू थ्री एंड फोर इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी बी की जगह पे हम बी के मेंबर्स रखेंगे थ्री फोर एंड फाइव इंटरसेक्शन है सी की जगह पे हम सी के मेंबर्स रखेंगे फोर फाइव एंड सिक्स अब हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है मतलब ए की जगह पे हम ए के मेंबर्स वन टू थ्री एंड फोर इंटरसेक्शन पहले हम ब्रैकेट फाइंड कर रहे हैं मतलब बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा इनमें देखेंगे जो कॉमन मेंबर्स हैं दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वो लेते हैं यहाँ पे देखें फोर एंड फाइव जो हैं वो कॉमन है फोर एंड फाइव ये हमें क्या मिला B इंटरसेक्शन C अब हमें क्या करना है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करना है मतलब A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A B इंटरसेक्शन C हमें मिला हुआ है मतलब ये होगा इनमें देखें कॉमन मेंबर्स कौन से हैं सिर्फ फोर जो है दोनों सेट्स में कॉमन है हम फोर लिखेंगे ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसको हम नंबर वन दे रहे हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अब हम क्या करेंगे ए की जगह पे हम ए के मेंबर्स रखेंगे ए की जगह पे हम ए के मेंबर्स रख रहे हैं वो है हमारे पास वन टू थ्री एंड फोर ब्रैकेट में है इंटरसेक्शन B की जगह पे हम B के मेंबर्स रख रहे हैं वो हमारे पास हैं थ्री फोर एंड फाइव उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन CA, C के मेंबर्स क्या हैं फोर फाइव एंड सिक्स फोर फाइव एंड सिक्स अब हमें पहले क्या करना है ब्रेकेट A इंटरसेक्शन B, मतलब हमें पहले A इंटरसेक्शन B की इंटरसेक्शन करनी है इनमें देखें कॉमन मेंबर्स कौन से हैं थ्री एंड फोर थ्री एंड फोर जो हैं कॉमन मेंबर्स हैं हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू इनमें कॉमन है थ्री एंड फोर इंटरसेक्शन सी की जगह पे हम सी के फोर फाइव एंड सिक्स अब हमें क्या करना है ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला है थ्री एंड फोर इंटरसेक्शन जो सी के मेंबर्स हैं फोर फाइव एंड Six. अब हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू थ्री फोर एंड सी के हैं फोर फाइव सिक्स इन दोनों सेट्स में देखें कॉमन जो मेंबर है वो है सिर्फ फोर हम फोर लिखेंगे अब हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या मिला है फोर इसको हम नंबर टू दे रहे हैं मतलब अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट का भी नंबर फोर मिला है एंड राइट right का भी नंबर फोर मिला है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट एंड साइड इक्वल्ट राइट एंड साइड बराबर है वेरीफाइड है इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्ट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वेरीफाइड है मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्ट राइट हैंड साइड है वेरीफाइड है क्लियर हो गया थैंक यू